हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण गोयल है और इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ मनोविज्ञान CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के वो क्वेश्चन जो NCERT बुक्स बेस्ड हैं। ये मेरा 8वां वीडियो है और लगातार मैं आपको NCERT के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं मनोविज्ञान में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, वो आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में होता है? सेसवा अवस्था में सबसे ज्यादा शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील होता है। इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? इन्फेंट मीन्स 0 डे के बच्चे को बोलते हैं, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। पूर्व बाल्यकाल अवस्था किस वर्ष को बोला जाता है? पूर्व बाल्यकाल अवस्था 3 से 6 वर्ष के काल को बोला जाता है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? सीखने की गति अत्यंत तीव्र शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोहराने से शिशु को आनंद का अनुभव होता है। मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वयं प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? शैशवा अवस्था। वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, इस सिद्धांत का संबंध किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, इस सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है? समान प्रतिमान के सिद्धांत से। शैशवावस्था की अवस्था क्या है? शैशवावस्था की अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से लेके 5 वर्ष तक ये मानी जाती है। बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है, 6 to 12 years। किशोरावस्था का काल क्या होता है? एडोलसेंस का कार्यकाल क्या होता है? एडोलसेंस 13 से 18 वर्ष तक होती है। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है? शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया। मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वयं प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? शैशवावस्था में। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग, अंग्रेजी का शब्द इमोशन, हिंदी रूपांतरण इमोशन का, इस शब्द की उत्पत्ति इमोवरी शब्द से हुई, जिसका प्रयोग उत्तेजित करना, उथल पुथल आदि शब्दों में प्रयोग किया जाता है। संवेग के प्रकार मैकडूगल ने 14 बताए थे, इमोशन साइकोलॉजी, और उसकी मूल प्रवृत्तियों को बतलाया था कि जो निम्न प्रकार से उन्होंने बताया। प्लान एस्केप का संवेग फियर होता है, यानी भय। युयुत्सा यानी कॉम्बैट का संवेग होता है क्रोध या एंगर। निर्वृत्ति रिपल्सन का होता है घृणा या डिस्कस्ट। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी का होता है आश्चर्य या वंडर। शिशु रक्षा पेरेंटल का होता है वात्सल्य लव। शरणागति अपील का होता है विषाद या डिस्ट्रेस। रचनात्मकता कंस्ट्रक्शन का होता है संरचनात्मक भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। संचय प्रवृत्ति एक्विजिशन का होता है स्वामित्व की भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। सामूहिकता ग्रीगेरियसनेस का होता है एकाकीपन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। काम प्रवृत्ति इसका होता है कामुकता, लस्ट। आत्मगौरव सेल्फ एदर्शन श्रेष्ठता की भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। दैन्य सबमिशन आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग। भोजन अन्वेषण यानी फूड सीकिंग इसका होता है एपिटाइट। हास यानी लाफ्टर इसका होता है आमोद यानी एम्यूजमेंट। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई, जीवन और मृत्यु। प्रेम स्नेह काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा गया। लड़कों में इसे ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। शारीरिक विकास के क्षेत्र स्नायु मंडल, स्नायु संस्थान,
मांसपेशी संस्थान, पाचन संस्थान, लिम्फेटिक संस्थान और प्रजनन संस्थान। शैशवावस्था में जन्म के समय बालक का भार 7.15 पाउंड से लेकर 6 से 8 पाउंड तक होता है और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। उत्तर शैशवावस्था में यानी 6 वर्ष में लगभग 40 पाउंड उनका वजन हो जाता है। शैशवावस्था में लंबाई बालकों की 51.25 और बालिका की 50.75 सेंटीमीटर होती है। 6 वर्ष तक बढ़कर यह लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष की आयु इसका भार 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक सर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। नवजात शिशु में हड्डियाँ 270 होती है जो जुड़कर बाद में 206 रह जाती है। शैशवावस्था में कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से हड्डियों का दृढ़ीकरण, अस्थिकरण कहलाता है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। 6 माह में शिशु के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले 2 दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 तक पहुँच जाती है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत अस्थायी होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये दांत गिरने लगते हैं तथा 5वें या 6वें वर्ष में स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। धड़कन, हार्ट बीट। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट रह जाती है और एक वयस्क मनुष्य की 72 बार प्रति मिनट होती है धड़कन। 1 वर्ष हाथ पैर हिलाने लगता है 1 वर्ष का बालक और ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी होता है। 3 वर्ष में पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है, अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छूकर बताने लगता है। 4 वर्ष की आयु में गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम में रखना जान जाता है। 5 वर्ष का बालक रंगों को पहचानने लगता है, हल्के व भारी शब्दों का ज्ञान होने लगता है, 10 से 11 शब्दों के वाक्य दोहराने लगता है, माता पिता की आज्ञा मानने लगता है और अनेक कामों में सहायता भी करने लगता है। शिशु का सोशल डेवलपमेंट। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच के बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगते हैं। 4वें 5वें वर्ष में वह बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है, सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित करता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक में नैतिक भावना का विकास होता है। संवेगात्मक विकास। जॉन बी वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध व स्नेह। शिशु जन्म के समय रोता चिल्लाता था, पैर पटकता है, इस प्रकार वह जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। ब्रिजिस के अनुसार जन्म के 2 वर्ष तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता व असफलता की नींव का काल कहलाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था कहलाती है। कल्पना शक्ति वह अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी कहलाता है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। सामाजिकता विकसित होने का काल भी बाल्यावस्था ही है। नए कौशल अक्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल भी बाल्यावस्था है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी उलझन की अवस्था कहलाता है। समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं त्रि विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु काल, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था काल कहलाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल, टीन एज की सुनहरी अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी कहलाता है।
ये मेरा प्रोफाइल है जो मैंने CDP की 8वीं वीडियो दी है, टोटल मैं आपको 20 वीडियो दूंगा। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और मेरे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। ये कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, 7:00 मेरा करंट अफेयर्स का क्लास होगा। इस क्लास को कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। और 7:00 मेरी हिंदी की क्लास होगी, 2:00 दिन में EVS की क्लास होगी। ये सारे कोर्स प्लस पे होंगे, और मेरा रेफरल कोड है A2ZCareer CAREERS। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तुरंत मेरे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप हेड भी डेडिकेट कर सकते हैं। मेरे लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वील मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको बताया अभी अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2ZCareer के नाम से, सर्च बॉक्स में डालिए A2ZCareer A2ZCareer, मेरा चैनल खुल जाएगा, आप तुरंत मेरे साथ जुड़ सकते हैं। A2ZCareer चिकित्सक के नाम से मेरा चैनल है। NTUGC नेट की तैयारी भी मैं करा, और इस पे सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और बेल वाला आइकन जरूर दबा दें। कमेंट्री बॉक्स में भी रोज़ाना आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, और वील मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।